साथ मैं हूँ रज कुमार। खबरों की शुरुआत करेंगे 9:02 की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं जो इस वक्त मिल रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी से। छत्तीसगढ़ से बहुचर्चित हत्याकांड केस कांड मामले में आज वॉइस सैंपल पर फैसला आ जाएगा। एसआईटी ने आरोपियों के वॉइस सैंपल लेने के लिए जिला कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिस पर आज शाम तक कोर्ट फैसला सुना सकती है। मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। आपको ये भी बताते चले कि एसआईटी ने मंतुराम पवार, अजीत जोगी, अमित जोगी, पुनीत गुप्ता के वॉइस सैंपल के लिए कोर्ट में आवेदन दिया और इस पूरे मामले में आरोपी मंतुराम पवार ने कई सनसनीखेज खुलासे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किए हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत इस पूरे मामले पर गरमाई हुई है। 2014 का ये पूरा मामला बताया जाता है जब मंतुराम पवार ने अपना नाम वापस ले लिया था। कांग्रेस से वो कैंडिडेट थे, उसके बाद उनका गाजेबाजी के साथ भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया गया था क्योंकि अंतरात्मा की आवाज को उन्होंने सुना था। ये उस वक्त के उनके बयान थे, लेकिन अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें उन्होंने कहा था कि उनको डराया धमकाया गया था, प्रलोभन दिया गया था। उनके साथ 6 अन्य लोग भी थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सबको 1-1 करोड़ का लालच दिया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। 50,000 रुपए दिए गए और उसके बाद इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। वक्त वक्त पर कांग्रेस इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन करती रही कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मंतुराम पवार पर प्रलोभन उनको दिया गया जिसके चलते उन्होंने अपना नाम वापस लिया और पूरे चुनाव को इसमें प्रभावित किया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस तरह से मंतुराम पवार ने कहा है अपने स्टेटमेंट में कि अजीत जोगी ने निभाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंह अजीत जोगी पर अपने साथ 6 प्रत्याशियों की खरीद पर का आरोप लगाकर कांग्रेस का विपक्ष पर वार करने का यह सुनहरा मौका मंतुराम पवार ने इस दौरान दे दिया है। चलिए चर्चा करेंगे, चर्चा की शुरुआत सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं जिनके साथ और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हेमंत, अंतर्गत टेप काउंट का ये वो दिन है जो 2014 से लेकर टूटिल नाउ बार बार आ रहा है, क्या लग रहा है आज जो फैसला आएगा वो किसके पक्ष में जा सकता है? देखिए, सबसे पहले ये मैं बताना चाहूंगा कि अंतर्गत टिपकांड मामले के जो 4 आरोपी हैं, अमित जोगी, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, राजेश मूणत और मंतुराम पवार, इन 4 आरोपियों का वॉइस सैंपल लेने के लिए जिला न्यायालय में एसआईटी ने आवेदन लगाया था और आवेदन पर पिछले दिनों सुनवाई हुई थी, उस दौरान बहस पूरी कर ली गई थी। सुप्रीम जो एसआईटी की ओर से बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पक्ष रखा था और उसके बाद अमित जोगी, अजीत जोगी, मंतुराम पवार और राजेश माफ करिएगा पुनीत गुप्ता, इन जो आरोपी हैं इनके वकीलों ने वहां पक्ष रखा। दोनों की दलीलें सुनने के बाद आज जो कोर्ट है वो फैसला सुनाने जा रहा है और इसमें एक कड़ी ये देखने को मिली कि सबसे पहले जो अंतर्गत टिप कांड मामले में जो आरोपी है मंतुराम पवार, उन्होंने पहले वॉइस सैंपल देने का विरोध किया था। पहले भी वो एसआईटी के दफ्तर पहुंचे थे जब इन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया था। उन्होंने ना तो उस समय 166 का बयान दिया था, उस समय वो एसआईटी के दफ्तर गए थे और उन्होंने साफ तौर पर वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब इस मामले 2014 से लेके अब तक कई ऐसे मौके आए जब हमने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा की है और हमेशा हमने मीडिया के मार्फत से और हमने अपनी भी रिपोर्ट दिखाई है कि मंतुराम पवार और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बंद कमरे में कई मर्तबा बैठकें भी हुई हैं और उन बैठकों के बाद क्या कुछ वहां पे अंदर खाने से चर्चा निकल के आई है ये जग जाहिर है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी स्वराज एक्सप्रेस भी नहीं करता। बड़ा सवाल ये है कि उस वक्त वॉइस सैंपल देने से इनकार किया जा रहा था, उस वक्त मंतुराम पवार के तमाम स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी थी, लेकिन इस वक्त जब सीधे डॉक्टर रमन सिंह और पुनीत गुप्ता, अजीत जोगी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, 164 के तहत बयान दर्ज कर दिए गए, अब इन उन तमाम चीजों की ऑथेंटिसिटी भी खत्म हो गई है, वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये सब सरकार के दबाव में किया जा रहा है। देखिए रस, को सबसे पहले तो समझना होगा कि मंतुराम पवार ने जो पहले बयान दिया था और आज जो उन्होंने बयान दिया है उसकी भूमिका क्या होने वाली है,
क्योंकि अंतकर टिपकांड मामले में जब ये सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने इस दोनों बयानों को गंभीरता से लिया है। हालांकि क्या जजमेंट आएगा ये तो शाम को पता चलेगा, लेकिन पंतुराम पवार का पहला वाला बयान और अब 164 का जो उन्होंने कोर्ट में बयान दर्ज कराया है कलमबद्ध, उसके बाद जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो दोनों बयान मैच किए जाएंगे। हमने पहले ही जब बताया था, जब सुनवाई अंतकर टिपकांड मामले में हो रही थी तो उस समय ये हमने बताया था कि दोनों बयानों को आधार बनाया जाएगा। और बचाव पक्ष के वकील की बात की जाए तो उन्होंने यही चीजें कही है कोर्ट में कि बंतूराम पवार ने पहले सैटी पर सवाल उठाए थे, लेकिन अचानक से उनको क्या हो जाता है कि वो अब सीधे तौर पर इसमें कई गंभीर आरोप पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राजेश फोड़त तमाम लोगों पर लगाते हैं। तो ये जो आधार है इसे वहां पर बनाया गया था, हालांकि क्या जजमेंट आएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंतूराम पवार ने गंभीर आरोप पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर लगाए हैं, उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि दिल्ली में बंद कमरे में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनके बेटे अभिषेक सिंह भी वहां पर मौजूद थे, उनका उन्होंने मेदांता हॉस्पिटल का जिक्र किया गया था। और बड़ा सवाल यह है कि अगर मंतूराम पवार अपने वॉइस सैंपल दे सकते हैं ठीक है, और क्या स्टेट जो रिजल्ट आता है क्या मतलब फैसला आता है वो बात की बात है, लेकिन अगर मंतूराम पवार अपने वॉइस सैंपल दे सकते हैं तो फिर डॉक्टर पुनीत गुप्ता, अजीत जोगी, अमित जोगी को क्या दिक्कत है ये अपने वॉइस सैंपल नहीं दे रहे, बार बार कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। और दूसरा बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि तत्कालीन प्रेजेंट के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो उस जब पीसीसी चीफ थे वो उस वक्त से लेके आज तक यही कहते आए हैं, और इन तमाम चीजों को लेके पूरी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन भी करती आई है कि खरीद फरोख्त हुई है, उनके तो तमाम बयान तो तमाम प्रदर्शन वैसे ही हैं एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्ट्राडिक्ट देखने को मिल रहा है तो विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है। देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है 2014 में उभर कर सामने आया था जब अंतकलो उपचुनाव हुआ, कैसे अचानक जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहते हैं मंतूराम पवार वो अपना नाम वापस ले लेते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा फायदा मिला, भूषण नाग उस समय उम्मीदवार थे भाजपा के, वो चुनाव जीत किया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस ने उस समय से लड़ाई लड़ी थी, जगह जगह पर जो अंतकट टिपकांड के जो ऑडियो है वो जनता को सुनाया था, एक तरीके से फायदा चुनाव में भी इसका मिला। और अभी देखा जाए तो निश्चित तौर पर आपने जिस बात का जिक्र किया कि विपक्ष ही अब इस मामले को लेकर लगातार घिरता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ही वो ये बात की कहते रहे थे कि किसी प्रकार का कोई यहाँ पर सौदा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कलमबद्ध बयान मंतूराम पवार ने दिया उसे फैसला बताएगा कि किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, और देखने वाली बात यह है कि इस खरीद फरोख्त की छत्तीसगढ़ में राजनीति भी अजीत जोगी के ही जरिए शुरू की गई थी। बने रहिए अगली खबर पे भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। खबर देख लेते हैं मुख्यमंत्री।